मैं हिमाचल के एक छोटे से टाउन रहन है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन पहले एज ए आईटी टीचर में काम करती रही हूँ, फिर स्विच किया मैंने बुटीक के बिजनेस में। और आज से 6 7 साल पहले श्रीम ब्रिजी डॉक्टर पिल्ले का जो इंग्लिश चैनल है, वही मेरे सामने वीडियो पॉपअप हुई थी। शायद मुझे उस टाइम बहुत जरूरत थी, तो वहीं से मैंने ये चैंटिंग स्टार्ट करी थी श्रीम ब्रिजी मंत्र की। तो जब मुझे करते हुए 1 2 दिन हुए थे, तो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका कुछ काम नहीं बन रहा था, तब मुझे भी मतलब थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि नियम नहीं पता थे कैसे करना है, बस सुना और करना शुरू कर दिया, जैसे गाइडेंस थी गॉड की। तो उस बच्चे को मैंने दिया कि तू 108 टाइम ये करके देख, मुझे मतलब अंदर से वाइब आ रही है। और शाम को जैसे ही मैं अपने वर्क प्लेस से घर पहुंची, उसका मैसेज आया कि मेरे जो कागज फंसे हुए थे 3 साल से, वो आ गए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो इस मंत्रा में है। फिर कंटिन्यूसली मैं ज्यादा तो नहीं करती थी, बाबा जी का ही एक वीडियो, उनकी वॉइस में 108 टाइम एक फास्ट चैंट है 4 से 5 मिनट की, तो मैं रेगुलरली मेरे दोनों बच्चे और मैं करते गए। उसके बाद लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो शायद उसी वजह से मुझे बहुत जरूरत थी लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया जैसा था, वो एक अति जो होती है वो आ चुकी थी, तो मुझे गाइडेंस मिली फिर रेकी की। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है चीजें, कि पहले जो नेगेटिव कर्मा थे मेरे, थोड़े से वो क्लियर हुए मंत्रा के साथ। उसके बाद मैं रेकी में आई, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आगे जाना है, बस 2 लेवल करने हैं खुद की हीलिंग के लिए। लेकिन करते करते मैंने रेकी का ग्रैंड मास्टरशिप, लामा फेरा ग्रैंड मास्टरशिप, मैग्निफाइड हीलिंग, बहुत सारी और मॉडेलिटीज मैंने सीखी लॉकडाउन में ही। और पैसा कहाँ से आया मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि पहले तो मुझे यही लगा था कि फर्स्ट लेवल के भी मैं कैसे पे करूँ, लॉकडाउन में ऐसी कंडीशन हो गई थी बिजनेस वालों की। तो उसके बाद अभी मैं एज ए टीचर और ए हीलर भी काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई एडवर्टाइज या ऐसा कुछ किया नहीं, प्रमोट नहीं किया हुआ, मतलब वो खुद ही आते हैं स्टूडेंट सीखने के लिए। तो इस मंत्र की वजह से एक विश्वास होता है, जैसे मेरे रेकी के जो स्टूडेंट्स हैं या नॉन स्टूडेंट भी हैं, कुछ मॉर्निंग में हम लोग लेते हैं थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज के बदले में, तो 15 मिनट लास्ट में मैंने ऐसे जरूर रखे होते हैं जिसमें हम सब बच्चों के साथ में श्रीम जी मंत्र उनको जरूर बताती हूँ और जरूर मैं उसको मतलब करती हूँ। और श्री ब्रिजी जी से एक चीज और हुई थी कि मुझे पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था, एक ब्लॉक था मेरा ये कि मनी मतलब हीलिंग में है तो पैसा क्यों लेंगे, तो ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्यों लेना है। तो कुछ मेरे पैसे भी स्टक पड़े हुए थे, जैसे फॉरेन के जो स्टूडेंट थे पेपल अकाउंट में आते थे। तो जब मैंने ये लेवल 1 का कोर्स किया था अक्षय सर और तेजस सर के साथ, तो नेक्स्ट डे ही मेरे जो पेपल अकाउंट के कुछ जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई, और सारे पैसे मेरे अकाउंट में जो 5 6 मंथ से फंसे हुए थे वो सारे ट्रांसफर हुए। तो स्पिरिचुअलिटी में तो कदम रखा है, और इस मंत्रा की वजह से ही मैं बाकी चीजें भी सीख पाई हूँ, और मेरे लिए बहुत, जब भी मुझे कुछ चाहिए है, मतलब मैं टोटली रेकी के बाद, तो वैसे भी हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं कि एक सरेंडर के मोड में रहना है, छोड़ देना है सब कुछ, तो चीजें ऑटोमेटिकली आनी शुरू होती हैं, मतलब अबंडेंस में आ जाते हैं, जैसा जितना चाहिए श्रीम ब्रिजी मंत्रा की, ऐसा लगता है कि अब तो सिद्ध भी हो गया है। जब भी जरूरत पड़ी तो ये नहीं सोचते हैं कि अभी कहाँ से आएगा, या कोई टेंशन होती थी जैसी पहले, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लगा कि हाय 50,000 चाहिए, चलो छोड़ो श्री ब्रिजी मंत्रा किया, और कहीं ना कहीं से कुछ तो स्टूडेंट की तरफ से या कहीं से भी वो अमाउंट मिलना ही मिलना है, तो बहुत सारे बेनिफिट। और दूसरा जो है वो है कि अगर हमें चूज किया गया है इस चीज के लिए, तो हमें और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चेंज लेके आनी है, जिससे एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी हम लोग ग्रो करें और फिनेंशियल लेवल पे भी ग्रो करें, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। अगर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा चले जाते हैं तो ऑफकोर्स है बच्चों के साथ जो कर्म है वो फिर पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मोक्ष तो बड़ी दूर की बात होगी तब फिर। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है श्रीम ब्रिजी के साथ, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचे यही मैं चाहती हूँ। और हिंदी चैनल के साथ मेरा जुड़ना है अप्रॉक्सीमेट, मुझे लगता है 8 9 मंथ या 1 साल ऐसा ही हुआ है, मुझे याद भी नहीं कि मैं कैसे कोई वीडियो पॉपअप हुआ या कैसे मैं ग्रुप में आई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन तब से कंटिन्यूअसली ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट हम लोगों की है, और बहुत थैंकफुल हैं आप सब लोगों की, क्योंकि इंग्लिश चैनल अगर मैं किसी को शेयर भी करती थी तो सब लोग नहीं समझ पाते अच्छे से,
तो अब बेनिफिट ये मिला है आप सबके एफर्ट से कि हिंदी में हम लोगों को वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और मंत्रा के साथ हम जोड़ पा रहे हैं। तो थैंक यू आप सबका।